मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ें। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। गुड फ्राइडे के त्योहार को मनाने के पश्चात जब दुनिया ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दुख को याद किया, अब मसीह जगत ईस्टर की उस खुशी को मनाने के लिए तैयार हो रही है। यह सच है, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाकर पाप के उस खतरनाक विष भरे दांतों को तोड़कर जय पाया है। लेकिन जैसे कल हमने मनन किया, अगर प्रभु यीशु का मृत्यु और जी उठना हमारे दैनिक जीवन में अगर प्रयोग में नहीं है, जिसके विषय में पवित्र आत्मा वचन से हमें सिखाती है, तो फिर इन त्योहारों को, इन घटनाओं को याद कर हम जिंदगी भर इन्हें याद करें तो भी लाभ कुछ नहीं। हमारा मसीह यीशु के साथ का मृत्यु पर विश्वास करना अकेला नहीं, उसके साथ भागी होना पानी के बपतिस्मा के द्वारा ऐलान करता है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में भी भागी होंगे, तभी हम उसके जी उठने के उस सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हुए स्वर्गीय स्थान में बैठने का अनुभव कर पाएंगे। जब एक व्यक्ति स्वर्गीय स्थानों का वो आनंद को अपने दैनिक जीवन में अनुभव करता है, तो वो फिर कभी भी अपना मन इस संसार की चीजों में नहीं लगाएगा। वो अपने पुराने जीवन के विषय में सोचकर दुखी होता है, जब उसने परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जाना और अपने पाप में जीवन में खुश था, और अब वो चाहेगा कि वो सच्चे मन से प्रभु के साथ चले, और इस कारण वो केवल यीशु मसीह के क्रूस के दुख को याद करके रोता नहीं रहता, लेकिन वो अपने पाप में जीवन के विषय में सोचकर दुखी होता है, जिसके कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के प्रति वो आभारी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह बहुतायत पर उंडेला है। लेकिन जैसे एक व्यक्ति आत्मिक तौर पर बढ़ता है, अपने आत्मिक जीवन का देखभाल करता है, परमेश्वर के वचन को सीखता है और अपने आप को जांचता है, तो वह मसीह के प्रेम से बंध जाता है और वह यह समर्पण में चलता है कि मैंने अब अपने जीवन काल में मसीह के इच्छा के अनुसार चलना है। और उसकी प्रार्थना यही रहती है कि प्रभु मुझे बलवंत करता कि मैं आपकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन काल में पूरा करूं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से और आशीष पाने से दूर नहीं। ये व्यक्ति भौतिक आशीषों के पीछे नहीं पड़ा रहता, क्योंकि इसे अपने जीवन के ऊंचे बुलाहट के बारे में मालूम है कि उसे परमेश्वर के साथ अनंत काल रहना है। आइए हम इन दिनों में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं और जी उठने के सामर्थ्य में वो नए जीवन की सी चाल चलें। जब हम इस पाप भरे दुष्टता भरे दुनिया में रहते हैं, जब दुश्मन हमें कैसे ना कैसे परीक्षाओं में डालकर सही मार्ग से हटाना चाहता है, आइए हम अपने आप को हमेशा पाप के लिए मरा हुआ और मसीह में जीने का वो बात को याद कर हमें चलने में मदद करें। हमें मसीह में बने रहना है जो हमारी सच्ची दाखलता है, तभी हम अनंत जीवन को बहुतायत में अनुभव कर पाएंगे। जब हम इस संसार में रह रहे हैं, अपने जीवन की बातों में व्यस्त हैं, अगर हम ध्यान ना दें तो हमारे अंदर मसीह का प्रेम, मसीह के लिए वो प्रेम घटता जाएगा। इसलिए हमें आज्ञा दिया कि हमेशा मसीह के मृत्यु को याद करें और प्रभु भोज में भय और भक्ति के साथ भाग लें। आजकल प्रभु भोज की सेवकाई एक रीति रिवाज बन गई है जिसमें हर कोई भाग ले सकता है। ध्यान रखें, केवल एक व्यक्ति जिसने खुलेआम
मसीह यीशु के मृत्यु के साथ भागीदारी होने का बात को ऐलान किया है और अब पवित्र जीवन बिताता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है वही प्रभु भोज में भाग ले सकता है। वचन में स्पष्ट लिखा है कि जब एक व्यक्ति प्रभु भोज में भाग ले उसे अपने आप को जांचना है परमेश्वर के साथ उसका संबंध कैसा है। प्रभु भोज हमें उस क्रूस के नजदीक आने में मदद करता है जिसके द्वारा हम अपने आप को जांचते हैं। क्या हम अपने बुलाहट के अनुसार योग्य जीवन चलते हैं? हमें परमेश्वर ने एक पवित्र जाति होने के लिए चुना है। परमेश्वर के दैवीय स्वभाव को अपने जीवन के द्वारा दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। बेशक हम अंधेरे भरे दुनिया में रहते हैं, हमारे आज के जीवन ने दिखाना है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम मसीहत को एक धर्म ना बनाएं जिसमें बहुत से रीति रिवाज हैं, वरन मसीह जीवन परमेश्वर के साथ, अपने उद्धारकर्ता के साथ, अपने प्रभु के साथ दैनिक जीवन में चलने का अनुभव है। आइए परमेश्वर के प्रेम से बंधे हुए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर काम करने दे ताकि हम मसीह के कद तक, उस सिद्धता तक बढ़ सकें। हमें अनंत काल के वो धन्य आशा मिली है, हम प्रभु के साथ अनंत काल जिएंगे। बेशक हमारा शारीरिक भौतिक शरीर, इसमें दर्द और वेदनाएं हैं, हम मृत्यु से डरते नहीं क्योंकि हमें मालूम है मसीह के द्वारा हम जयवंत हैं। हमारे अंदर वो आश्वासन है कि हमारा प्रभु मरे हुए से जी उठा, इसलिए हम भी उसके साथ जी उठेंगे महिमा में। अगर हम इस संसार से मृत्यु के द्वारा अलग हुए, हम उस स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे और जी उठने के द्वारा हम मसीह के साथ हम भागी होंगे। इस बार का ईस्टर हमारे अंदर वो आशा को और मजबूत करने पाए कि हम मसीह यीशु के साथ जी उठेंगे। हम इस समय एक भौतिक शरीर के अंदर सीमित हैं, हम प्रभु से शारीरिक तौर पर दूर हैं, लेकिन अगर हम मसीह के मृत्यु के साथ भागी हो जाएं और उसके जीवन में प्रतिदिन हम चलें तो अवश्य है कि हम उसके जी उठने में भी भागीदार होंगे और प्रभु को आमने सामने देखेंगे। हम स्वर्ग में उसके साथ प्रवेश करेंगे। कितना धन्य वो आशा है जो हमारे जीवन के सारे दुख और कष्टों के ऊपर जय पाने में मदद करता है। आइए हम अपने प्रभु को उस बड़े पुनरुत्थान के दिन मिलने के लिए तैयार हो जाएं। हम अपने आत्मिक जीवन को हल्का ना लें। पुराने जीवन के पाप में हम ऐश करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसे करें तो शायद वो न्याय के लिए खड़े होना पड़ेगा। ये ईस्टर दुनिया को याद दिलाता है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, हर एक को मरे में से जी उठना है। मृत्यु, शारीरिक मृत्यु जीवन का अंत नहीं। मनुष्य के अंदर का प्राण और आत्मा अनंतकालीन है। अगर हम मसीह यीशु के पुनरुत्थान में भागी ना हुए तो भी एक दिन हमें मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होना है, जहां हर किसी का न्याय किया जाएगा और हमें झुकना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन उस समय मन फिराने का अवसर नहीं, लेकिन अनंत काल का आग का झील है। आज वो दिन है जो प्रभु हमें देता है, हम इस अवसर को ना गंवाएं, प्रभु ने दिए हुए धन्य आशीष को ना गंवाएं। अपने जीवन में पवित्र जीवन किसी चाल चलें जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है और उस पुनरुत्थान के भागी हों। हम प्रार्थना करते हैं इस बार का ईस्टर हमारे लिए केवल एक त्योहार बनकर ना रहे, वरन एक नए जीवन का आरंभ हो जाए। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु, पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद, दिए हुए इस बड़ी आशा के लिए धन्यवाद प्रभु। दुनिया जब दुखी होकर कैसे ना कैसे अपने दुख को डुबाने के लिए संसार के सुख में खोज करते वक्त, बाप आपने दिए हुए सुसमाचार के लिए धन्यवाद प्रभु। केवल त्योहार मनाने वाले हम ना बनकर रह जाएं,
प्रभु, लेकिन आपके मृत्यु और आपके पुनरुत्थान को अपने जीवन में, दैनिक जीवन में अनुभव करने के लिए हमें मदद करें। हमारा जीवन प्रभु आपके नाम के महिमा का कारण बन सके, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हमारा बन जाए। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। माराना था।